अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर खान। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रोब लाइव बखैर अगले। मैं अपनी गाड़ी के विंडस्क्रीन तब्दील कर रहा था, सोचा आप लोगों को भी वीडियो बना के दिखा दूं। तो चले इसकी वीडियो बनाते और आप लोगों को दिखाते। सबसे पहले कारीगर वाइपर को हटा देगा, निकालेगा। इस खूबसूरत मौसम में बर्फबारी में और भी मज़ा आएगा। उसके बाद बोनट को उठा के अंदर जो कवर दिखाई दे रहे सामने वाले वो कवर हटाएंगे। और हटाने के बाद अंदर की तरफ से सुई या नुकीली चीज़ से शीशी के बिल्कुल नीचे जो प्लास्टिक आता है उसमें एक तार दूसरी तरफ से निकालेगा, ताकि जो पुराना वाला सील है उस सील को वो काट सके। तार वो जैसे मोटरसाइकिल की क्लच और ब्रेक केबल वगैरह की तार होती है बिल्कुल उसी तरह ये पतली है। इसके ज़रिए से ये सील शीशे और गाड़ी के दरमियान में जो सील होती है वो इस केबल से काटेगा ये कारीगर। कॉर्नर में बहुत ज़्यादा एहतियात ये लोग कर रहे हैं। कॉर्नर में उस तार केबल की वजह से शीशा भी कटने का अंदेशा होता है। बिल्कुल एहतियात से कॉर्नर में ये लोग सील को तोड़ेंगे या काटेंगे। कॉर्नर में थोड़ा बहुत पुराना वाला शीशा ख़राब हुआ, वैसे भी ये ख़राब शीशा है, बाकी ये बहुत एहतियात से सील को काट रहा है। बहुत ही पतली तार है मगर बहुत सख्त है। पूरी सील को तोड़ने के बाद या काटने के बाद शीशा को गाड़ी से हटा रहे। अब वो पुरानी सील जो बची कुछ ही गाड़ी पर, गाड़ी के बॉडी पर, अब उसको भी साफ करेंगे ताकि लीकेज का कोई ख़तरा ना हो, बारिश वगैरह या इससे हवा अंदर ना जा सके, ताकि उसकी पकड़ बरकरार रह सके। नया सील जो भी लगा रहा है पुराने को बिल्कुल साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद अब इस गन के ज़रिए से नया सील इस पर डालेंगे। थोड़ी 4-5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं।
नया शीशा दो बंदों की मदद से लगाया ताकि गिरने का ख़तरा ना हो और सील पर मुकम्मल बैठ जाए। इस अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद के शीशा सील पर बैठ गया है तो टेप की मदद से शीशे की पकड़ को बरकरार रखेंगे। अभी ये सील बिल्कुल नया है, शीशे को अभी तक नहीं पकड़ा है। टेप की मदद से अभी इसको लगाएंगे शीशे पर, थोड़ा सा कोई सख्त किस्म की चीज़ लगाएंगे ताकि शीशा की पकड़ इसको बनाए रख सके। टाइप लगाने के भी अपनी टेक्निक है, आप लोग खुद ही देख ले। टाइप के नीचे से कोई चीज़ दिया है ताकि ये थोड़ा ऊपर रहे और शीशे पर ही बराह रास्त इसका पकड़ मजबूत हो जाए। दो तीन घंटे तक तकरीबन इसी तरह ये रहेगा। कारीगर कह रहे कि दो तीन घंटे बाद फिर कुछ इसे नहीं होगा, बस उसी टाइम मुझे कहा कि गाड़ी ले जा, अभी कुछ नहीं होगा। ये सलूशन टाइप वगैरह बहुत मजबूती से दिया है, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ना ही इसका सील पटेगा। शीशे के मुख्तलिफ प्लेटें नए गाड़ियों के जो है ये एम करोला वगैरह जेलाई वगैरह के सस्ते हैं, तकरीबन 6-7 हज़ार से लेकर 10 हज़ार तक एक विंडस्क्रीन मिल जाएगा। पुरानी गाड़ियों के थोड़े महंगे, वो 20 हज़ार तक भी मिल जाते हैं। ये करोला वगैरह के नए मॉडल जो आते हैं वो ज़्यादा महंगे हैं। बाकी फिल्डर वगैरह और ये जो दूसरे आयरूप वगैरह की गाड़ियाँ होती है, सिर्फ एसयूवीज़ वगैरह उसके पीछे आगे वाली तकरीबन 12-13 हज़ार तक पीछे आगे वाले दोनों विंडस्क्रीन इसके मिल जाएंगे। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। हो सके तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेहरबानी, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।